हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर यादव और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन व्हील। और आज हम खड़े हैं प्योर के नियो ईट्रेंस के सामने। कितनी प्यारी ब्रांडिंग इसकी दे रखी है। फ्रंट से आप इसकी लुक देख सकते हो, बहुत ही प्यारी लगने वाली है। आप अगर नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर की बात करते हो, ईवी स्कूटर की बात करते हो, आप इसको देख के जज नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है। जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है या इसका प्राइस है या इसकी जो भी डिज़ाइन की सेगमेंट है वो आउटस्टैंडिंग है। फ्रंट में अगर हम बात करते हैं तो आपको LED का सेटअप मिलता है कंप्लीट, और जो इंडिकेटर आपको मिलेंगे वो भी डे टाइम रनिंग में हैलोज इंडिकेटर आपको LED सेटअप ही मिलेगा कंप्लीट। हैलोजन का कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे आपको इसके प्यारे से DRS दे रखे हैं। और फ्रंट में आपको जो मिलेगा डिस्क ब्रेक के साथ में आपको C8 का टायर मिलता है, जो कि 10 इंची का रहने वाला है। इसका टायर प्रोफाइल आप देख सकते हो। और अगर ब्रेकिंग की बात करें तो प्योर के जो ब्रेकिंग यूज़ में आ रही है आज की तारीख में, वो एक उसको आप कहीं भी जज नहीं कर सकते पैरामीटर्स पे कि आपकी ब्रेकिंग लाइट रहने वाली है या आप इसको इजीली मैनूवर नहीं कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा बैटरी का साइन, आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज है। और यहाँ पे आपको मिलेगा आपके किलोमीटर्स जितने भी रन है। और यहाँ पे सेम आपको मोड मिलता है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का, ठीक है। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। और ये है पार्किंग गियर। अगर आप पार्किंग हटा देते हो तो अब ये रोटेट होने के लिए तैयार है, जैसे कि मैं व्हील स्पिन कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको पार्किंग में डाल देता हूँ तो अगर आप इसको स्पिन भी करते हैं तो व्हील ऑटोमेटिकली कटआउट हो जाता है। तो ये सेफ्टी पर्पज़ से काफ़ी ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलता है हॉर्न के लिए स्विच, और यहाँ पर आपको मिलता है लाइटिंग के लिए। अब फ्रंट में इसकी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसके की की। तो की आपको 4 मिलने वाली है, क्योंकि की की भरमार है प्योर की तरफ से। और अब बात करते हैं इसमें, अगर आप इसको ड्यूल प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। देखो, मैं इसको लॉक कर देता हूँ, अभी ये पूरी गाड़ी बंद है, की मेरे हाथ में है। अगर मैं ड्यूली प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुकी है, अब आप इसको राइड कर सकते हो। अगर आपके पास की नहीं है या की आपकी पॉकेट में है, यहाँ पे होल्डर में है, तो भी आप इसको चला सकते हो विदाउट की के। यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट एक हुक मिलता है आपको कैरी करने के लिए लगेज, और यहाँ पे 2 स्पेस मिलते हैं, आप अपने पर्सनल फ़ोन या वॉलेट रख सकते हो। साइड में आपको जो भी स्टैंड मिलता है आपको काफ़ी बड़ा स्पेस मिलता है, आप अपना एक बैग या 2 बैग इजीली ले जा सकते हो, अगर घर का सामान भी लेके जा सकते हो। तो 150 kg तक आप इस पर लोड बेयरिंग कैपेसिटी ले जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके रियर साइड में और इसके बैटरी बूट स्पेस की तरफ में चलते हैं। पीछे से आपको जो मिलने वाला है, यहाँ पे आपको कोइल सस्पेंशन मिलने वाली है, ठीक है। नीचे अंदर पूरी बैटरी की जो हाउसिंग है वो कवर्ड है। पीछे की तरफ से आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं, सेम टायर प्रोफाइल रहेगा। और यहाँ पे आपको कंप्लीट LED का सेटअप मिलेगा। और जो ये चारों तरफ आपको ग्रैब हैंडल्स दे रखे ना, वो कम्प्लीटली हार्ड मेटल के बने हुए हैं, तो आपको कहीं भी ये फील नहीं होगा कि यार हल्की बाइक है या हल्की स्कूटर है। तो वो चीज़ें निकाल दीजिए। आज की तारीख में EV इतना आगे प्रोग्रेस कर रहा है, हो सके कि आने वाले टाइम में EV की मार्केट और ज़्यादा बढ़ जाए। यहाँ पे आपको मिलेगा पैडल पैर रखने के लिए पीछे वाले पैसेंजर के लिए। अब चलते हैं इसका खोलते हैं बूट स्पेस। तो कुछ ये है इसका बूट स्पेस। और बूट में आपको मिलेगा सबसे पहले तो एक कटआउट स्विच, सेफ्टी स्विच भी बोलते हैं आप इसको, ठीक है। इससे आप कहीं से भी गिरा सकते हो। और अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको बैटरी दिखेगी, ये रिमूवेबल है, आप इसको घर पे उठा के ले जाके भी चार्ज कर सकते हो। बैटरी की जो कैपेसिटी वो 60W 2.5 kW की पोर्टेबल बैटरी है, और ठीक है, इसमें जो मोटर लगी हुई है 1.5 kW की नॉमिनल एंड 2.2 kW की पीक BLDC मोटर लगी हुई है। एंटी थेफ्ट अलार्म मैंने आपका इसका बता दिया है। अब इस बैटरी का ये फ़ायदा है कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहते हो, अगर आपका फ्लोर अप है, तो आप इसको घर में उठा के ले जाके चार्ज भी कर सकते हो। तो ये था इसका, ये इसकी काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब इसमें जो चार्जर मिलता है वो भी मेटेलिक मिलता है। और जो चार्जर की कैपेसिटी है, चार्जर की कैपेसिटी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इसका चार्जर है 67.2 वोल्ट और 10 एम्पियर का आपको इसमें चार्जर मिलेगा, ठीक है। तो ये था इसका चार्जर। और अलॉय की बात करते हैं तो कास्ट के अलॉय है इसमें, तो आपको ये भी फ़र्क नहीं पता चलेगा कि यार अलॉय ब्रेक हो सकते हैं या कोई भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, मोटा मोटा बात अगर ये कहे तो। और इसमें बूट की बात करें तो आप इजीली एक अपना हेलमेट रख सकते हैं और अपना एक लगेज भी रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके वारंटी की या इसके प्राइस सेगमेंट में आपको क्या मिलता है। तो जो बैटरी की वारंटी आपको मिलती है वो 5 ईयर और 50,000 किलोमीटर पे आपको इसकी वारंटी मिलती है, ठीक है। 5 साल में या आपके 50,000 किलोमीटर तब तक कंप्लीट होते हैं। और जो इसका एक्स शोरूम आपको मिलेगा वो मिलेगा 1 लाख। अब बात करें इसके बैटरी की वारंटी के बारे में, तो इसमें जो वारंटी आपको मिलेगी 3 ईयर और 40 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी, 40,000 किलोमीटर तक या फिर 3 साल तक, जो भी आपका पहले कंप्लीट होता है उसमें वारंटी मिलती है। और वारंटी को आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। अगर बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की, तो आपको मिलता है 87
999 यानी कि 88,000 रुपये में आपको कम्प्लीटली एक शोरूम प्राइस आपको मिल जाएगी। अब फिलहाल हम शूट कर रहे हैं वीडियो को पीवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलवर से, आप अलवर में आके इसका प्राइस चेक कर सकते हो, ऑन रोड पे डील ले सकते हो, और इसमें आरटीओ की भी नीडेड होती है, इंश्योरेंस की भी नीडेड होती है, ठीक है। तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे वो सारे शोरूम वालों की तरफ से करा के दिए जाएंगे। अब बात करते हैं इसके चार्जिंग टाइम की, तो ये 5 से 6 घंटे में चार्ज होके, या अगर आप राजस्थान के बिल के हिसाब से बात करें तो 30 रुपये में इसको चार्ज करके आप 120 किलोमीटर की रेंज तक इसको चला सकते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी सर्विस, और सर्विस पे बात कर लेते हैं कि इसकी सर्विस में आपको 4 सर्विस फ्री मिलती है। तो ये था प्योर का नियो ईट्रेंस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल।